हरियाणा विधानसभा चुनाव की निगरानी करने के लिए रखने के लिए नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि चुनाव की निगरानी रखने के लिए नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त होने से पहले ड्यूटी पर आ जाएंगे। निर्वाचन विभाग के पास कितनी शिकायतें आई हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है, इस बारे में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा निर्वाचन विभाग के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल। इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की क्या तैयारियां हैं। जी, जो भी जैसा कि आपको विदित है 16 अगस्त को हरियाणा के चुनाव घोषित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया था, तदुपरांत जो विभिन्न गतिविधियां होती है वो समस्त प्रक्रिया जारी है। सर्वप्रथम जैसे मतदाता सूची की बात है, मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त को हुआ था, उसके बाद 27 अगस्त को इसका फाइनल पब्लिकेशन हो चुका है। हरियाणा की समस्त जो 90 विधानसभा हैं और उसके समस्त 20,629 जो बूथ है, समस्त बूथों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त को हो चुका होगा। और उसके बाद जो 2 तारीख तक ही हमें और भी फॉर्म 6 में जो आवेदन प्राप्त हुए थे, जितने भी लोग हैं जो पात्रता पूर्ण करते थे 18 साल के, तो उनका कल तक हमें 12 तारीख तक उनके फॉर्म 6 का निष्पादन करना है, तो कर लिया जाएगा। आज की तिथि में हमारे 2,03,53,854 मतदाता हैं, जो कि फाइनल सूची जो हमारी 27 तारीख को प्रकाशित हुई थी उसमें 2,02,24,958 थे। तो मतलब कि 27 तारीख की जो फाइनल सूची थी और आज की तिथि तक इसमें 1,28,936 का नेट एडिशन हुआ है, मतलब इतने वोटर्स बढ़े हैं। अग्रवाल साहब, चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके? देखिए, ये एज ए टॉपिक आपने बहुत बड़ा एक ही लाइन में चीज पूछ ली, इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती है और मुख्यतः इलेक्शन में जैसा कि मैं समझता हूँ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है जो एक्चुअल पोल कराता है। जैसे ईवीएम होगी उसकी अलग से तैयारियां चल रही है, फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है वेल के इंजीनियर्स के माध्यम से, उसके बाद जो अभी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है, फर्स्ट रेंडमाइजेशन, सेकेंड रेंडमाइजेशन ऑफ द ईवीएम होता है, उसके बाद जब जिलों में ऑब्जर्वर्स आ जाते हैं उनके उपरांत होता है, और उसके बाद प्रिपरेशन जिसको कैंडिडेट सेट बोलते हैं वो सब प्रक्रिया होती है और इस तरह से चलती। तो ये जैसे एक ईवीएम की तैयारी की बात हुई, इसी प्रकार से जो पोलिंग मटेरियल वगैरह है उसकी तैयारियां अलग से चल रही है। नामांकन की आपको पता ही है, नामांकन 5 सितंबर से शुरू हुआ था और कल 12 तारीख तक अंतिम तिथि है नामांकन दायर करने की 3 बजे तक, और 13 तारीख को उसकी समीक्षा है, स्क्रूटनी है, उसके 16 तारीख तक उसका विड्रॉल है, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो नाम निर्देशित लोग हैं वो उसको अपना विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने नामांकन को, और फिर उसी दिन सिंबल अलॉटमेंट के बाद 7K का जो होता है लिस्ट ऑफ फाइनली लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट जिसको कहते हैं, चुनाव लड़ने वाली अभ्यर्थी की सूची बन जाती है और उसके बाद बैलेट पेपर तैयार होते हैं और अन्य गतिविधियां होती है। ये बहुत बड़ा मतलब कि अलग अलग स्ट्रीम पे मैं अलग अलग चर्चा कर सकता हूँ। इस प्रकार से सभी क्षेत्र में अपनी काम चल रहा है। जहाँ तक चुनाव में जो पोलिंग पर्सनल होती है उसके भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, उनकी क्या कई जिलों में अभी वो फर्स्ट ट्रेनिंग हो चुकी है, जो सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है। बाकी पोलिंग पार्टी बनने के बाद वो एक दूसरी ट्रेनिंग होती है एसी लेवल पर, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर, फिर लास्ट ट्रेनिंग होती है जिस दिन वो P-1 डे में जाते हैं पोलिंग स्टेशन को। तो इस प्रकार से अलग अलग सभी मॉड्यूल की तैयारियाँ चल रही है और जहाँ तक उम्मीद है कि हरियाणा में बहुत ही अच्छा हर बार की तरह शांतिपूर्ण सभी को मतलब फ्री फेयर पीसफुल इंक्लूसिव इलेक्शंस होंगे और समस्त लोगों को मतलब हम लोग शिप के माध्यम से भी जागृति कर रहे हैं। बहुत जिलों से हमें वीडियोज आते हैं कि वो लोग अलग अलग गतिविधियां करके जन जागरण का काम कर रहे हैं,
ताकि लोग उस दिन वोट देने के लिए भारी संख्या में आए और जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसमें अपना सहयोग दे। अग्रवाल सर, अभी तक कितनी शिकायतें आई हैं और कितनी शिकायतों का निपटारा किया है, और शिकायतों में राजनीतिक दलों की भी कोई शिकायतें आई हैं जिनका आपने निपटारा किया हो? देखिए, जहाँ तक शिकायतों की बात है, मैं इसमें बिंदुवार बताता हूँ। सी विजिल के माध्यम से, जिसमें कि मुख्यतः पोस्टर, बैनर या कोई छोटी मोटी इस तरह की दरखास्त कंप्लेंट्स होती हैं, जिसमें कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश से इसे 100 मिनट्स में डिस्पोजल करना होता है, तो जिस दिन 16 अगस्त को जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे हरियाणा के, उससे लेकर अभी तक 5728 शिकायतें डिफरेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें कि 5165 का निष्पादन मतलब कर दिया गया है, और जिसमें लगभग 3663 जो थी वो 71% जो है वो समय में की गई, क्योंकि मेरे ख्याल से इनिशियल थोड़े कोई बॉटलनेक थे, उन्होंने कुछ में टाइम ज़्यादा ले लिया, उस कारण से सारा एवरेज बिगड़ गया। तो ये मतलब समय समय पे चल रही है। जहाँ तक आपने बात कही कि और भी डिफरेंट मोड हैं, हमें ईमेल के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न पार्टियों की या व्यक्ति विशेष की शिकायतें प्राप्त होती है। इसके अलावा हमारे विभाग की 2-3 ईमेल है, उसके माध्यम से भी प्राप्त होती है। उसके अलावा सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, एक्स है, या फिर मैसेज के माध्यम से भी आजकल लोग कंप्लेंट करते हैं, तो उस सबका अलग अलग ब्यौरा अलग अलग जगह पर है। लेकिन ये सी विजिल की बात हुई। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात हुई, तो उसमें ज़्यादातर शिकायतें जो अभी तक प्राप्त हुई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, चाहे उनकी सेंट्रल लीडरशिप द्वारा या यहाँ के जो कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस पार्टी है उनके पदाधिकारियों द्वारा, तो ज़्यादातर सब में जवाब हमने भेज दिया। सर्वप्रथम जैसे 16 तारीख को ट्रांसफर से रिलेटेड आई थी, वो माननीय निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमति से ही की गई थी और उसका जवाब समय पे भेज दिया गया था। इसके प्रकार से 2 विभिन्न शिकायत रिक्रूटमेंट को लेके आई थी, HPSC के रिजल्ट द्वारा और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसका भी जवाब माननीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया था और उन्होंने उसका निष्पादन किया और हिदायत दी कि फाइनल इंट्रीम रिजल्ट्स या काम वो कर सकते हैं दोनों स्टेचुटरी बॉडीज, लेकिन अपना फाइनल रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। और इसके बाद एक HHRC की भी कंप्लेंट आई थी, उसमें भी माननीय निर्वाचन आयोग ने उसको उस मीटिंग को डेफर करने के आदेश दिए हैं, जो हमने सरकार को कम्युनिकेट कर दिया। अग्रवाल साहब, कांग्रेस ने कोई हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी कोई शिकायत की है? ये अभी अभी आपके माध्यम से ही हमें पता चला, क्योंकि मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख की लेटर लिखा हुआ है, तो वो हमारे प्राप्त नहीं। उसमें किसी स्टाफ के बारे में बात किया कि वो हरियाणा विधानसभा का है, वो हम लोग एग्जामिन करके उस पर देख लेंगे क्या उस पर आगामी कार्रवाई बनेगी। अग्रवाल सर, अभी तक कितनी रिकवरी हुई है? रिकवरी जो अभी मेरे पास लेटेस्ट फिगर है, उसके हिसाब से 17,71,00,000 की अभी तक रिकवरी नहीं कह सकता, मतलब समस्त जो कैश की वैल्यू है इसमें प्राप्त हुई है, जिसमें कि लीकर भी है, जिसमें कैश अमाउंट भी है, जिसमें ड्रग्स की भी जो रिकवर हुई उसका भी मतलब रुपयों में उनका मूल्य शामिल है, कोई प्रीशियस मेटल है, इस प्रकार से समस्त चीज़ें मिलाकर कुल जब से इलेक्शन घोषित हुए हरियाणा में तब से कल तक, या मेरे ख्याल से अभी अपडेटेड भी फिगर होगी, तो 17,71,00,000 की के समान, चाहे उसमें शराब है, चाहे ड्रग्स है या प्रीशियस मेटल है, केस तो बहुत कम है, 36.98 लाख का टोटल, इतने 17,71,00,000 के वैल्यू के कमोडिटीज या कैश बरामद हुए। अग्रवाल साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है, तो अभी तक ऑब्जर्वर जो भारत निर्वाचन आयोग ने नियुक्त किए हैं, कोई ऑब्जर्वर आया भी है क्या हरियाणा में? देखिए, ये जो हिदायतें होती हैं, जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं, जो व्यय पे मॉनिटरिंग करते हैं, उनको हिदायत होती है कि वो नामांकन भरने की जो फर्स्ट डे होता है, प्रथम तिथि होती है, उस दिन उनको जिले में रिपोर्ट करना होता है।
तो उस दिन जो वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड 26 ऑब्जर्वर जो माननीय निर्वाचन आयोग ने ड्यूटी लगाई थी और उनको डिप्यूट किया था, वो सभी आ गए थे। जहाँ तक जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर की बात होती है, उनको लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक पहुँचना होता है, तो मतलब लास्ट दिन ऑफ नॉमिनेशन से एक दिन पहले तक, मतलब बेसिकली उनको कल जो अंतिम तिथि है नॉमिनेशन की, उस दिन उनको वहाँ पर 3 बजे उपस्थित होना होता है। तो मेरे ख्याल से आज लेट इवनिंग तक, सुबह मॉर्निंग तक समस्त जो ऑब्जर्वर है वो आ जाएंगे। ये थे मेरे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल। इन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने क्या तैयारियां की हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।